एक बार अंगीठी बन गई तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, इसलिए मैं पहले से कीड़े तैयार रखता हूँ। अगर आप इसे सर से पकड़ेंगे और दबा देंगे ऐसे, तो काम बन गया, समझिए। इसका सारा कचरा ये देखिए पीछे से बाहर आ जाएगा। मैंने कच्चा तो नहीं खा सकता था क्योंकि शरीर पर कांटे होते हैं जो मेरे गले को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये गर्म हो चुका है, मैं इन्हें इसमें डाल देता हूं। अंगारे डालने के बाद मेरी काम चलाऊ अंगीठी काफी गर्म हो गई है। ये वाला तो शायद पक भी चुका है। इसका स्वाद वैसा ही है जैसा लकड़ी के कोयले पर पके किसी कीड़े का हो सकता है, गर्म पस से भरा हुआ लेकिन खाने लायक। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि बस एक ही कीड़ा काफी था। मेरी तबीयत खराब लग रही है, उमस ने समस्या और बढ़ा दी है। कुछ ही घंटे में मुझे डायरिया हो गया। यहां तो ये एक बड़ी मुसीबत है। अगर आप इसे दफन नहीं करेंगे तो आप अपनी तरफ शिकारियों को आकर्षित करेंगे। मगर मेरी सबसे बड़ी समस्या है डिहाइड्रेशन। जब जान पर बनी हो तब शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे मैं बेहोश हो सकता हूं और मदद न मिली तो मेरी जान भी जा सकती है। बारिश का मौसम है इसलिए यहां काफी पानी आ रहा है। देखिए कितना गंदा पानी है ये, इसमें काफी रेत है और कीचड़ मिला हुआ है। मेरे पेट का बुरा हाल है, मेरे शरीर से तरल के साथ साथ सॉल्ट और मिनरल भी निकल रहे हैं। मुझे इस पानी को उबालकर साफ करना होगा, आग जलानी होगी। यहाँ बहुत ज्यादा नमी है इसलिए यहाँ की लकड़ियाँ इस्तेमाल के लायक नहीं रही हैं। जब मैं अपने बेटे के साथ लकड़ी जमा करता हूँ तो हमेशा उसको